ओके जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम मैंने पूरा चैप्टर 9 कंप्लीट हो गया था। माइकलसन इंटरफेरोमीटर के भी हो गए थे तुम्हारे कल, माइकलसन के हो गए थे। तो मैं आज नया चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 10। हेलो, सलाम हेलो जी बेटा। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ओके बेटा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ही हेडिंग डालें आप मिरर। मिरर बेटा किसे कहते हैं? मिरर एक ऐसी ऑप्टिकल सरफेस है जिसकी एक साइड तो शाइनी होती है, मतलब ये वाली सरफेस शाइनी होती है और ये पॉलिश होती है। इससे होता ये है कि लाइट जब इससे ऊपर टकराती है, स्ट्राइक करती है, ये रिफ्लेक्ट बैक हो, यानी मिरर एक ऐसी सरफेस है जो कि लाइट को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती। एक ऐसी सरफेस है जो कि लाइट को क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लें, द ऑप्टिकल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या ऑप्टिकल मीडियम विच इज यूज टू रिफ्लेक्ट द लाइट कॉल्ड मिरर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी बेटा कॉपी कर लिया? नहीं सर अभी कर रहा हूँ। तो ये बच्चों कॉपी कर लिया ये, तो मुझे बता दीजिएगा फिर मैं रब करूँ आगे बढ़ूँ। जी सर कर लिया। ओके नेक्स्ट हेडिंग डालें आप लेंस की। देखो लेंस एक ऐसी सरफेस है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस, एक ऐसी ऑप्टिकल सरफेस होती है जो अपने अंदर से पास होने वाली लाइट को क्या करती है, रिफ्रैक्ट कर देती है। अपने अंदर से पास होने वाली लाइट को क्या करती है, ये रिफ्रैक्ट करती है, पास करती है, रिफ्लेक्ट नहीं करती बल्कि अंदर से पास करती है, रिफ्रैक्ट करती है। तो
तो उसकी डेफिनेशन लिख लो, द ऑप्टिकल सरफेस विच इज यूज टू रिफ्रैक्ट लाइट कॉल्ड लेंस. द ऑप्टिकल सरफेस विच इज यूज टू रिफ्रैक्ट द लाइट इज कॉल्ड लेंस. डायग्राम तो नहीं बना ली? नहीं नहीं ये नहीं, अभी जब लेंस टाइप ऑफ लेंस आएगी उसका बनाना. ओके, अब आप हेडिंग डालें, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लेंस. टाइप्स ऑफ लेंस में दो टाइप्स हैं. Convex lens and number two concave lens. ये लिखने के बाद आप पहली हेडिंग डालिएगा convex lens. ये लिखने के बाद, दोनों लिखने के बाद, नाम लिखने के बाद फिर आप convex lens की हेडिंग डालिए. ओके बेटा, कॉन्वेक्स लेंस है क्या? देखो कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस बेटा एक ऐसी लेंस को कहते हैं जिसका कॉर्नर एजिस क्या होता है, थिक थिन होता है, कॉर्नर से वो पतली होती है और सेंटर से ये क्या होती है, कॉर्नर से ये थिन होती है और बीच से क्या होती है, ये थिक, इधर से भी थिन, इधर से भी थिन और बीच से ये क्या होती है. तो पहले तो उसकी डेफिनेशन पहले लिखिए, द लेंस विच इज थिन एट द एजेस and thick at the center called convex lens. क्या दे दूं
के बाद ये तमाम लाइट रेस को एक सिंगल पॉइंट पे क्या करती है, मिलाती है, कन्वर्ज करती है, इसलिए इसे हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। इट कन्वर्ज ऑल लाइट रेस टू अ सिंगल पॉइंट so it is also called converging डायग्राम इसकी भी नहीं बनानी ना। हाँ बनानी है, बनानी है इसकी डायग्राम बनानी है। ओके बेटा कॉपी कर लिया पूरा? जी सर। अब करो भाई बच्चों। जी सर कर। यस सर। दूसरी टाइप है कॉन्केव लेंस। कॉनकेव लेंस कैसी है? ये किनारों से एजेस से क्या होती है, ये थिक होती है, कॉनवेक्स का रिवर्स होती है। कॉर्नर से ये थिक होगी और बीच से क्या होगी, ये थिन होगी। कॉर्नर से थिक होगी और बीच से थिन होगी। अच्छा जी, उसके बाद ये अपने ऊपर पड़ने वाली तमाम लाइट रेस को कहते हैं ट्रैवर्स करते। ट्रैवर्स का मतलब फैलाई, इस तरीके से इसके हम इसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। केव लेंस जो है, पहले मैं दोबारा रिपीट कर दूं, कॉर्नर से थिक होती है और सेंटर से क्या होती है, थिन होती है। ये अपने पर पड़ने वाली तमाम लाइट रेज को क्या करती है, फैलाती है, डाइवर्ज करती है, इसलिए हम इसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। तो देखो, द लेंस दिस इज एट द edges and thin at the center to form concave lens
ट्रैवल्ड ऑल लाइट स्पीड तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऊपर का रखा दूसरा ट्रैवल तो कॉल्ड ओके कर लिए बच्चों। हाँ जी बच्चों कॉपी कर लिया आप जी सर कर जी दो कर लिया कॉपी। यस सर अब आप हेडिंग डालें टर्मिनोलॉजीज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इसी पे बता दीजिए बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इसमें कुछ टेक्नोलॉजी यूज होती है वो साथ साथ बताता भी जाऊंगा और लिखवाता भी जाऊंगा। पहला है नंबर वन सेंटर ऑफ कर्विचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं? देखो ये एक ग्लास का स्फीयर है मैंने यहां पे एक कटिंग की ये कटिंग जो ये वाला हिस्सा है ये तो लेंथ पर है ये वाला हिस्सा तो कॉन्वेक्स लेंस बन गया ये पूरा ग्लास स्फीयर था ना उसमें से मैंने इतना हिस्सा काटा तो बकिया तो ये वाला हिस्सा तो क्या बन गया ये लेंथ है लेकिन ये लेंस जिस स्फीयर से बना था इस स्फीयर का कटिंग करके आपने बनाया उस स्फीयर का सेंटर ये है उस स्फीयर का सेंटर ये है इस सेंटर को हम सेंटर कर देते हैं तो सेंटर को हम क्या कहते हैं सेंटर ऑफ कर्विचर यानी वो ग्लास ग्लास स्फीयर जिससे से आपने लेंथ कटिंग करके बनाया था उस ग्लास स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं ये बताएं क्लियर है
तो ग्लास स्फीयर जिसमें से कटिंग करके आपने लेंस बनाया, उस स्फीयर का जो सेंटर है उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्विचर। जी भाई क्लियर है तो लिखाओ। हाँ जी भाई सर एक दफा और बता दें। देखो ये था स्फीयर, इसमें से ये कटिंग करके आपने ये लेंस बना, ये वाला इसको लेंस, ये कटिंग करके बना, उस स्फीयर का जो सेंटर है ये वाला, उस स्फीयर के सेंटर को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके ठीक है, तो उसके डेफिनेशन लिख लो। सर डायग्राम बनेगी, डायग्राम बनाना चाहो तो बना लो, ये तुम्हारी आसानी होगी समझ में। द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच लेंथ इज अपार्ट on that denoted by T. ये तो कॉपी कर लिया। टीचर हो गया सही। अच्छा इसी का अगला टॉपिक रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? इस स्फीयर का रेडियस जो है जिससे वो लेंस कटिंग करके आपने बनाया, इस स्फीयर का जो रेडियस है, इस स्फीयर का जो रेडियस है जिससे लेंस आपने बनाया था उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर। बस बहुत आसान। तो इसमें ये आसान जाएगा, सेंटर की जगह आप लिख देंगे रेडियस, रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ इट लेंस इज अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, माइक ऑफ कर लो।
सर हो गया हो गया ओके जी इसके बाद ये रख कर दूं जी ओके नेक्स्ट थर्ड है ऑप्टिकल सेंटर ऑप्टिकल सेंटर किसे कहते हैं ये कॉन्वेक्स इस कॉन्वेक्स लेंस का जो सेंटर है ना कॉन्वेक्स लेंस का जो सेंटर है ये लेंस का जो भी सेंटर है कोई सा भी चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्वेक्स उस लेंस के सेंटर को हम ऑप्टिकल लेंस के सेंटर को हम ऑप्टिकल सही है इसकी डेफिनेशन क्या होगी ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ ऑप्टिकल बना लो कॉपी कर दो सर हो गया ये हो गया इसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल प्रिंसिपल फोकस बेटा कैसे कहते हैं ये लाइट रे आ रही है ये लाइट रे आ रही है ये लाइट ये तीनों लाइट रे जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी जिस पॉइंट पे ये मिलेंगी के बराबर इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं प्रिंसिपल फोकस पॉइंट को हम क्या कहते हैं प्रिंसिपल फोकस तो लिखो द पॉइंट एट विच ऑल लाइट रेज Thank you.
सर हो गया। ओके अब हेडिंग डालो प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस क्या है यार? ये वाली लाइन देख रहो सेंटर वाली, ये ऑप्टिकल सेंटर से भी पास हो रही है और फोकस से भी पास। ये लाइन क्या होती है? इमेजिनरी लाइन होती है, फिजिकली एग्जिस्ट इमेजिनरी लाइन है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से भी पास हो रही है और प्रिंसिपल फोकस से भी पास हो रही है, दोनों से पास हो रही है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? सर इसे इमेजिनरी लाइन भी बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ इमेजिनरी लाइन है, इसका नाम क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। इमेजिनरी तो कहते हैं ख्याली को, इमेजिनरी का मतलब उर्दू में क्या होता है? ख्याली, मतलब इसकी नेचर इमेजिनरी होती है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। तो द इमेजिनरी लाइन विच पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर नहीं ना बताना प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ओके बेटा कॉपी कर लिया। आखिरी रहती है, टाइमर भी वैसे लगती है। आखिरी है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसे कहते हैं? फोकल लेंथ बेसिकली डिस्टेंस है किसके दरमियान, फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो फोकल लेंथ है। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है। दैट इज दिस वन, ये वाला। सही, सेम क्या कहते हैं? फोकस एफ के बाद तो लिख लो द डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। फोकस
कम सुन रहा है। इसका एक फार्मूला होता है स्मॉल f इक्वल टू r अपॉन स्मॉल f इक्वल टू r अपॉन 2। तो स्मॉल f क्या है? और आप तो आप आता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर है। माइक बंद करना भाई, माइक बंद कर दो। सर for focal length.